हेलो दोस्तों, मैं उमेश कुमार। आप देख रहे हैं आईसी न्यूज़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे, अगर आप फिनो पेमेंट बैंक का बीसी एजेंट हैं तो आप किस तरह से फिनो पेमेंट बैंक में अदर बैंक का एटीएम से आप पैसे चेक कर पाएंगे, यानी कि एटीएम कार्ड से बैलेंस चेक कर पाएंगे, और कैसे आपको विड्रॉल करना है। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आप बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक फिनो पेमेंट बैंक में फर्स्ट लॉगिन कैसे करना है, कैसे आपको पासवर्ड रिसेट करना है, अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो वीडियो का आप देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से आप एटीएम कार्ड से बैलेंस चेक कर पाएंगे और विड्रॉल कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मोबाइल का ब्लूटूथ ओपन कर लेंगे और जो माइक्रो एटीएम डिवाइस है उसका ब्लूटूथ मोड करके ओपन कर लेंगे। और जैसे ही आप मोबाइल में कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर डिवाइस का मॉडल नंबर दिखाई पड़ेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ आपको एक कोड जनरेट हो जाएगा आपको मोबाइल के स्क्रीन पर, उसे आपको माइक्रो एटीएम डिवाइस पे वो कोड को डाल देना है। माइक्रो एटीएम में आपको इंटर पायर की आ जाएगा तो वहाँ पर आपको टाइप करना है। टाइप करके आपको ओके कर देना है। आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मोबाइल के स्क्रीन पे वही कोड को आपको डालना है। आप सही से डालें और पायर करेंगे तो देखिए इस तरह से आपका कनेक्ट हो जाएगा आपका मोबाइल से। उसके बाद आपको जो मित्रा ऐप है, फिनो पेमेंट बैंक का मित्रा ऐप, उसे ओपन कर लेंगे और वहाँ पर भी आपको पेयर करना होगा। तो आपको थ्री लाइन जो ऊपर में आपको दिखाई पड़ेगा वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और पेयर डिवाइस पे आपको क्लिक करना है। फिर पेयर पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका डिवाइस पेयर होने लगेगा। कभी कभी ये नेटवर्क सपोर्ट नहीं करता है तो आप दोबारा ट्राई करेंगे। जैसे ही आपका पेयर सर्चिंग लेगा तो आपको मॉडल नंबर आपको दिखाई पड़ेगा, आपका जो डिवाइस का मॉडल नंबर है वो दिखाई पड़ेगा। तो उस मॉडल नंबर पे आपको क्लिक कर देना है। एक बार जैसे ही आपको मॉडल नंबर दिखाई पड़ेगा तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसा कि हम दोबारा ट्राई कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर मॉडल नंबर दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सक्सेसफुली पेयर हो जाएगा। इस तरह से पेयर हो जाएगा, ओके कर देंगे, फिनिश कर देंगे। और माइक्रो एटीएम पे आपको क्लिक करना है और माइक्रो ट्रांजेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए स्वाइप द कार्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो आपका माइक्रो एटीएम मशीन है फिनो पेमेंट बैंक का, उसमें भी आपको स्वाइप द कार्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आप कार्ड को स्वाइप कर देंगे। स्वाइप करने के बाद आपको चार डिजिट का जो एटीएम का पिन है उसे आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको ग्रीन बटन आपको दबा देना है, यानी कि ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका जो मोबाइल है उसका स्क्रीन पर आपको आ जाएगा अमाउंट टाइप करने के लिए और एक बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए। तो आप बैलेंस इंक्वायरी पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे तो बैलेंस दिखाएगा, और अमाउंट टाइप करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो आपको बैलेंस विड्रॉल होगा। तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अमाउंट यहाँ पर टाइप कर देंगे। चलिए कस्टमर का अमाउंट निकालना है तो इसे टाइप कर देते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। कुछ देर में वे सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए सक्सेसफुल हो गया। इस तरह से कस्टमर का एटीएम कार्ड से पैसा का विड्रॉल हो चुका है। अब हम दोबारा ट्राई करेंगे। फिर से हम माइक्रो एटीएम पे क्लिक करेंगे और माइक्रो एटीएम ट्रांजेक्शन पे जाएंगे। फिर से स्वाइप द कार्ड, फिर से कस्टमर का कार्ड को स्वाइप करना है, जो एटीएम कार्ड है उसे डिवाइस पे स्वाइप करना है। दोस्तों, अगर स्वाइप करना नहीं जानते हैं तो उसका वीडियो हम नेक्स्ट में बना देंगे कैसे करना है आपको। तो देखिए फिर से अमाउंट टाइप कर देते हैं, यानी कि एक एटीएम से हम कितना बार हम ट्राई कर सकते हैं वो हम आपको लिमिट भी दिखा दे रहे हैं आपको। तो 10,000 निकल चुका है, दोबारा 10,000 हम यहाँ पर टाइप किए हैं। देखिए यहाँ भी निकल चुका है। फिर से हम तीसरा बार ट्राई करते हैं, देखते हैं लिमिट है या समाप्त हो गया है।
दोस्तों अगर आप स्वाइप कार्ड करेंगे उसके बाद अगर बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे तो आपका बैलेंस चेक हो जाएगा, उसमें आपका निकासी नहीं होगा, बैलेंस चेक होगा। निकासी करने के लिए आपको अमाउंट टाइप करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर अमाउंट हम टाइप कर देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए विड्रॉल अमाउंट लिमिट यानी कि 20,000 निकला और उसके बाद लिमिट आपको दिखा दे रहा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें। नए अपडेट के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।